26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देशहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। हवलदार अब्दुल माजिद, 9वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत। हवलदार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर में राजौरी के घने जंगलों में चलाए गए एक खोजी अभियान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने आतंकवादियों से हुई एक अन्य मुठभेड़ में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद निडरता से आगे बढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। प्राणघातक परिस्थितियों में अद्भुत संकल्प शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए हवलदार माजिद ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेरा बी। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत। कांस्टेबल सैफीउल्लाह कादरी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दस अप्रैल 2022 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कांस्टेबल सैफीउल्लाह ने उच्च रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए आतंकियों की सटीक जानकारी हासिल की एवं आंतरिक घेराबंदी का जिम्मा संभाला। बंधक बनाए गए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ज्यों ही आप लक्षित मकान की ओर बढ़े आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आपने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए दो कट्टर आतंकियों को मार गिराया। 24 मई 2022 को एक अन्य ऑपरेशन में अपने आतंकियों का मुकाबला करते हुए आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबिया मुस्तफा।
मेजर विकास भांबू सेना मेडल, मेजर मुस्तफा बोहरा 252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन ALHWSI मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सिविलियंस एवं रिकॉनिसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस, अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय मेजर विकास भांबू सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती। स्वर्गीय मेजर मुस्तफा बोहरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोहरा एवं पिताजी श्री जकीउद्दीन बोहरा। राइफलमैन कुलभूषण मंता, 52वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल दो आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। हवलदार विवेक सिंह तोमर, 5वीं बटालियन दी राजपुताना राइफल्स मरणोपरांत।
10 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया। परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा। राइफलमैन आलोक राव 18 असम राइफल्स मरणोपरांत।